नाउ टुडे वी आर बी स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक दैट इज फिशन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. में कल हमने चार्ट देखा, ठीक है, पूरा. उसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले फ्यूजन देख रहे हैं, ठीक है. फ्यूजन में भी दो पार्ट है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है. सो हम फ्यूजन स्टार्ट करते हैं. फ्यूजन यानी एक में से डिवाइड होकर दो बनना, दैट इज द फ्यूजन. ओके, व्हाट इज फ्यूजन? एक में से दो बनना, दैट इज फ्यूजन, क्लियर. तो ये फ्यूजन होता है डिवाइडिंग इनटू टू हाफ्स, दैट इज इक्वल हाफ में डिवाइड करना. किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में हमें फ्यूजन देखने को मिलता है? दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है. द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शोज अ फ्यूजन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, सिंगल बॉडी. तो सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंट, वही पेरेंट है, यानी वही माता है, वही पिता है, ऐसा मान लो. तो उनके अंदर उनको अगर अपना रिप्रोडक्शन करना है, उनको अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना है, तो हाउ दे आर गोइंग टू डू? सिंगल ऑर्गेनिजम्स को हमको पता है बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोन्स है, काफ़ी सारी फंगस है, ठीक है. तो क्या करते हैं, उनकी सिंगल बॉडी डिवाइड होती है कितने में? दो इक्वल हाफ में, ठीक है. सिंगल बॉडी डिवाइड्स इंटू टू इक्वल हाफ, दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन, ओके. अगर बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, देन इट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन, ओके. जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लेशमेनिया है, ठीक है. तो ये सारे, वो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, बट दिस आर द कॉमन एग्जांपल्स यू हैव, यू कैन राइट इट इन योर आंसर, ओके. नाउ वी विल सी द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ओके. अमीबा है ये, अमीबा इरेगुलर शेप, पेरेंट अमीबा का बॉडी है ये, ठीक है. अब ये डिवाइड करने वाला है, इसको क्या करना है, अपने आप को और बढ़ाना है, तो ये डिवाइड करने वाला, तो अपनी बॉडी को इस तरह से लंबा करेगा. लंबा करना है यानी अंदर का ज़्यादा सेलुलर मटर जो है, सेलुलर मटेरियल जो है ना, वो सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाने वाला है, ठीक है. जो इतना था उसका डबल हो जाएगा, तो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, ठीक है. साइज़ में बड़ा होने के बाद क्या होगा, उसके बीच में से जो एकदम सेंटर होगा ना बॉडी का, ओके, वहाँ से क्या होगा, ये मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ ऐसे ग्रो करने लगी, इनफोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ इस तरह से. और ये इस अंदर न्यूक्लियस है जो, वो भी अंदर ऐसे इनफोल्ड होगा, तो इस तरह से ये कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे दो इक्वल हाफ में, इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. और जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये दो अमीबा इस तरह से बन जाएंगे, एक पेरेंट बॉडी के अंदर से दो अमीबा बन गए, दैट इज कॉल्ड डॉटर अमीबा, ओके. सो अब ये एक से क्या हो गए, दो हो गए. अब जब ये दोनों भी बड़े होंगे तो फिर इनके अंदर से दो डिवाइड होंगे, एंड इट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन, ओके. दिस इज द डायग्राम एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, क्लियर, ठीक है. अब हम बात करते हैं दूसरा, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है. ट्रांसवर्सल हमको नहीं दिया है बुक में, सो मैं नहीं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही, बट सेम ही है, बस उसमें खाली ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवाइड होता है, ठीक है. लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे यूग्लिना का, बुक में लेशमेनिया का दिया हुआ है, सेम ही है. यूग्लिना मतलब एनिमल सेम नहीं है, ये जो टेक्निक है वो सेम है. दिस इज यूग्लिना, ठीक है. अब यूग्लिना का सेलुलर मटेरियल डिवाइड हो रहा है, बॉडी भी ग्रो कर रही है, ठीक है. सेलुलर मटेरियल डबल हो जाएगा पहले, तो उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बनना चालू होगा, नॉचेज आने चालू हो जाएंगे, ठीक है. और जैसे नॉचेज आएंगे, फिर ये दोनों अंदर की तरफ ग्रो करेंगे, इनफोल्ड की तरफ इस तरह से, ताकि ये दोनों ही मटेरियल को वो इक्वली हाफ में डिवाइड कर सके, ठीक है. इसके बीच में एक स्टेप ऐसा आता है ना कि ये दोनों इस तरह से दिखेंगे आपको, इस तरह से जब डिवाइड कंप्लीट नहीं होते ना ये लोग, तब इस तरह से दिखते, नीचे से जॉइंट रहेंगे इस तरह से. इसके बाद ये दो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है. सो नॉच आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों बॉडी का धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगी एक दूसरे से, और इस तरह से डॉटर यूग्लिना बन जाएगा, ओके. दिस इज व्हाट लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की, अगर एक्सिस के थ्रू अगर बाइनरी फ्यूजन होता है तो, ओके. आई थिंक यू ऑल क्लियर विद यू बाइनरी फ्यूजन क्या है, ठीक है. फ्यूजन क्या है और बाइनरी फ्यूजन क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गया है. बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन इन यूग्लिना और लेशमेनिया, व्हाटएवर. लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसको भी आप ट्रांसवर्स कंसिडर कर सकते हो, बट इसमें क्या है, बॉडी इरेगुलर है, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स नहीं बोलते, नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन.
ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लास्मोडियम, ठीक है। प्लास्मोडियम, आप लोग ने मलेरिया का रिपोर्ट कराया होगा मलेरिया का, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम फाल्सीपरम, चार चार तरह की प्लास्मोडियम स्पीसीज की टेस्ट की जाती है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में प्लास्मोडियम जाता है वो प्लास्मोडियम वाइवेक्स या फाल्सीपरम होता है। आप देखोगे कि प्लाज्मोडियम में ये आरबीसी का सेल है हमारा, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम चले गया। मलेरिया में हमारा आरबीसी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है, हमारा आरबीसी काउंट डाउन जाता है। तो ये एक मलेरिया का पैरासाइट है, एक्सीडेंटली बॉडी में एंटर हो गया, आरबीसी के अंदर घुस गया, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, ये होस्ट बॉडी मिल गई है, होस्ट बॉडी मिल गई इसके साथ, अब क्या करेगा, ये इसी में ग्रो करने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर से न्यूट्रिशन लेगी, ये एक से डबल डबल यानी मल्टीपल्स टाइम में ग्रो करेगा, एक में से बहुत सारा ग्रो करेगा, धीरे धीरे डिवाइड होगी, ये ऐसा एक सेल पे कब्जा है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सेल क्या होगा, अब इसके अंदर तो एक कैपेसिटी होगी ना सेल की, इसके अंदर ग्रो करने की, इतने हो जाएंगे कि सेल की वॉल पे इतना प्रेशर बनेगा कि सेल की वॉल फट जाएगी, इट गेट रप्चर्स, ओके। आरबीसी की वॉल जब टूट जाएगी तो ये सारे प्लाज्मोडियम वाले बाहर आ जाएंगे इसके, तो फिर बाहर होंगे बॉडी में सेल्स के, और दूसरे सेल्स पे अटैक करेंगे और उनको ख़राब करेंगे, ठीक। इस तरह से प्लाज्मोडियम ग्रो करके बॉडी में रहता है, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुत सारे एक साथ में ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन, ओके। अंडरस्टूड, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ओके, अबाउट द मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन। सी स्टूडेंट्स, नाउ this topic as a short note whole can be asked in 3 or 4 marks, okay, or it can be asked in 2 marks, write a short note on binary fission. तो आपको इन सब लिखना है with the diagram. Diagram is most important thing in this chapter. Without the diagram you cannot explain this thing. Multiple fission अकेले भी 1 mark में या 2 mark में पूछ सकते हैं, तो आपको ये लिखना है. And the very important examples, don't forget to write examples. Without examples you won't be able to explain the things, okay. Examples are most important part, okay. This how you have to remember the examples of every kind of things, okay. So with this we completed with the fission part. डायग्राम्स इसमें आपको दिया है, बुक में इतना डिटेल में डायग्राम नहीं है, तो आप इसमें से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको और कोई सोर्स मिलता है आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट डायग्राम शुड बी अप्रोप्रिएट, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेगमेंटेशन वी हैव इन द टेक्स्ट बुक, फ्रेगमेंटेशन। देखो इसमें कन्फ्यूज होने की, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में दो चीज़ कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग बाद में, दो लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगी आप लोग को कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिसेल्युलर नहीं आते, सिंपल बॉडी जो भी बहुत सारी फ्रेगमेंटेशन होती है, स्पायरोगायरा एग्जाम्पल, ये एक तरह की एल्गी है, प्लांट एक तरह का, ठीक है। दिस ब्रेक्स अप इन स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन एंड दिस फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। पीसीज फ्रैगमेंट्स शो ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ये चीज़ फ्रैगमेंटेशन बताती है। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख लो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। स्पायरोगायरा ऐसा लंबा ट्यूब जैसा दिखता है, ठीक, उसके बीच में इस तरह से नॉचिज होंगे और उसके अंदर इस तरह से उसके सेलुलर मटेरियल्स होंगे। अब अगर इसके सेल्स को अगर हम तोड़ देते हैं, एक एक फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये एक एक फ्रैगमेंट्स अलग हो जाएगा इस तरह से। नाउ दिस होल फ्रैगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू बी डेवलप इनटू अ न्यू कंप्लीट बॉडी, न्यू कंप्लीट बॉडी। तो एक में से कितने बन गए, 3, और 3 अलग नई बॉडी बनेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट। यानी एक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस टुकड़े में से फिर एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, क्लियर, ओके। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, दैट कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाय सेल्स, एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एज रैंडम कलेक्शन स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, एंड देन वी हैव टू प्लेस एट द डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी, केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन, सेल बाय सेल डिविजन इम्प्रैक्टिकल, नीड टू मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें ये कहने का मतलब है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल वाले में तो एक ही सेल को डिवाइड है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं, उनको बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। वो सारा काम करने के साथ साथ अगर डिवाइड हम सेल बाय सेल नहीं कर सकते, सो दिस इज हाउ दे डिवाइड, ठीक है, कि बॉडी का एक हिस्सा डिवाइड कर लेंगे और जो हिस्सा डिवाइड होकर निकला है उसको नहीं डेवलप होना पड़ेगा, बाकी पूरा दूसरा पार्ट नया डेवलप हो जाएगा उसके अंदर से, ठीक है।
बेसिक स्ट्रेटेजी इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप एंड ओके नॉट दैट मच इसमें सिर्फ इतना ही आप समझो ठीक है ये सारा इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको एक तो इतना ही समझना है कि फ्रेगमेंटेशन में कि एक बॉडी का एक हिस्सा डेवलप होगा नए बॉडी के पार्ट्स में जो पार्ट मिसिंग है वो इसमें से डेवलप हो जाएगा क्लियर एंड यू कैन सी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन ओवर हियर विद द प्लेनेरिया एक स्पायरोगायरा आपने देखा दूसरा प्लेनेरिया है ठीक है अब यहाँ पर ये प्लेनेरिया का रीजनरेशन में बताया गया है बट इट ऑल्सो अकर्स इन द फ्रेगमेंटेशन ठीक है प्लेनेरिया को देखो तीन डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप डिवाइड हो गए हैं ओके ये तीनों पार्ट हेड टॉर्सो एंड एब्डोमेन तीनों अलग अलग हैं अब अगर यहाँ हेड है तो इसको बाकी पार्ट डेवलप करना है अब यहाँ टॉर्सो था तो हेड और टेल डेवलप करना था अब टेल है तो सिर्फ हेड और एब्डोमेन डेवलप करना था दिस इज हाउ द फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट्स तो इसमें दो एग्जाम्पल आप इजिली लिख सकते हैं स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया ओके नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी रीजनरेशन ठीक है मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनके बॉडी एक बॉडी पार्ट में से उनको एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन ठीक है इफ समहाउ कट और ब्रोकन इंटू मैनी पीसेज दिस पीसेज ग्रो इंटू सेपरेट इंडिविजुअल्स ओके जैसे कि किसी चीज़ को बहुत बारीक बारीक चॉप कर दिया गया हो चार पांच हिस्सों में तो वो चार पांच हिस्से अगर हो जाते तो चार पांच ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे सिंपली लाइक हाइड्रा प्लेनेरिया कट इनटू नंबर्स ऑफ पीसेस एंड ईच पीस गोज इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन एंड इज कैरीड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल एंड द सेल पेरिफेरेट टू मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड द मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो इन द चेंजेस टू बिकम वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू डिवाइड होंगे ठीक है तो अंदर नए सेल्स ग्रो करेंगे सेल्स का मास बनेगा इस तरह से ठीक है और उसके बाद हर सेल डिवाइड होकर अपने अपने काम में लग जाएगा क्योंकि भाई ये तुमको लीवर टिश्यू बनाना है तुमको आई का टिश्यू बनाना है तुमको टेल बनाना है तुमको ये बनाना है ऐसा करो ठीक है एंड दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सिक्वेंस रिफर्स टू एज डेवलपमेंट ओके और ये फिर डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाता है हाउएवर इट इज नॉट रिप्रोडक्शन एज देयर सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मल डिपेंड्स ऑफ बींग कट एबल टू रिप्रोड्यूस ये हर किसी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि कट होने पर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके एक एग्जाम्पल इसमें लिजर्ड भी आता है देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन में ऐसा है कि कटिंग पीसीस में से अपने आप को और वो लोग एक नया ऑर्गेनिज्म में दिया और यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है बट अगर बेसिकली डिफरेंस देखने जाते हैं हम इसके अंदर ठीक है तो ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन में जो बताया वो सही है कि ब्रेकन पार्ट्स जो भी आपके जो फ्रैगमेंट्स बने हैं उसके अंदर से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा रीजनरेशन में ऐसा होता है कि एबिलिटी टू गिव राइज टू द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ओके कोई बॉडी पार्ट टूट गया है खराब हो गया है तो उसमें से नया एनिमल पूरा नहीं बनेगा जैसे कि छिपकली की पूंछ अगर कट के निकल जाती है तो पूंछ में से नया एनिमल नहीं बनता है छिपकली की वो पूंछ वापस से ग्रो कर देती है ऐसा होता है रीजनरेशन ठीक है बट वट एवर इज गिवन इन द बुक जस्ट टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द बुक डोंट गो आउटसाइड ऑफ इट बिकॉज इट विल नॉट हेल्पफुल इन द एग्जाम बट जस्ट फॉर यू टू कन्फर्म द दिस रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है क्लियर ओके नाउ फ्रेगमेंटेशन इज डन रीजनरेशन डन नाउ नेक्स्ट बडिंग बडिंग दो चीज़ में आपको देखने को मिली हाइड्रा में और यीस्ट में दोनों में यूनिसेल्युलर है और ये मल्टी सेल्युलर है दोनों में बता देती हूँ मैं आपको बडिंग में क्या होगा देखो ये एनिमल बॉडी है उसकी बॉडी के कोई भी हिस्से में एक सेल फटाफट ऐसे ग्रो करेगा और आपकी बॉडी के अंदर एक आउटग्रोथ जैसा बनाएगा ठीक है सेल एक ही जगह पे फटाफट मोस्टली ग्रो करना चालू करेंगे बहुत सारे ग्रो करके वो चीज़ को किसे फूला हुआ बना देंगे जैसा फुंसी निकलती है इसमें फिर धीरे धीरे फूल जाएगा फिर उसके अंदर वो अपने पेरेंट बॉडी का शेप लेने लगेगा ठीक है और उसके अंदर छोटे छोटे टेंटिकल्स और फिर वो क्या करेगा अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच रहकर पूरा अच्छे से ग्रो हो जाएगा देखो बॉडी से अटैच है और अच्छे से पूरा ग्रो हो जा रहा है जैसा पेरेंट बॉडी वैसा ये है एकदम अच्छे से ग्रो हो जाएगा तभी अपनी पेरेंट बॉडी का साथ यहाँ से कट के निकल जाए छोड़ देगा अपने आप और ये खुद अकेला एक नया इंडिविजुअल हाइड्रा के जैसे जिंदगी जीने वाला है दिस इज कॉल्ड बडिंग ठीक है ऐसा ही यीस्ट में होता है एक मिनट यीस्ट में कैसे करते हैं
एक मिनट बता दीजिए, यीस्ट में क्या कहते हैं कि ये यीस्ट है, यूनिसेल्युलर यीस्ट फंगस है, ठीक है। यीस्ट डिवाइड होगा, बडिंग करेगा, तो इसके ऊपर धीरे से ये से आएगा, फिर ये ग्रो करते करते एक बड़ा सा बन जाएगा, फिर उसके ऊपर ऐसे इस तरह से पूरा चेन बनाएंगे यीस्ट, क्लियर। दिस इज द बडिंग इन यीस्ट, क्लियर। इमेजेस बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। सो बडिंग इन हाइड्रा एंड दिस इज अंडरस्टूड, लेट्स रीड इट, ठीक है। यूज रीजनरेटिव सेल्स टू इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द बडिंग, रीजनरेटिव सेल्स का यूज करते हैं अपने बडिंग में। हाइड्रा एग्जिस्ट बर्ड डेवलप्स एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिप्लेस ऑफ द सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट, ठीक है। आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिविजन एट स्पेसिफिक साइट एंड दिस बर्ड डेवलप्स इन टू टाइनी इंडिविजुअल वेन फुली मेच्योर डी अटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड बिकम ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। ये जब एकदम मेच्योर हो जाएगा अपनी पैरेंट बॉडी से अलग होकर और एक अपनी खुद की जिंदगी जीने लगता है, ओके, क्लियर। आई थिंक सो यू ऑल क्लियर विद द asexual reproduction in animals. Now this is the vegetative propagation that we will discuss in plant, how plant go reproduction in asexual manner, ठीक है। तो ये सब हम next class में करेंगे, next video में करेंगे, ठीक। So with this I am completing with this asexual reproduction in animal. If you have any query you can ask me, okay. Diagrams are must, students. You have to draw diagrams every time when you explain each topic in, and you have to write down in the notebook along with the diagram, okay. Goodbye.